हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई हो गए सब सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये क्विक अपडेट वीडियो, बेसिकली सुबह को मैं एक वीडियो डाला था जिसमें मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि अपडेट आज नहीं आने वाला। इवन मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में दिखाया, कुछ कुछ रीजंस बताया क्या क्या रीजंस है, कुछ कुछ क्राइटेरिया भी जिसके चलते हम लोग अपडेट नहीं आ रहा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो पहले आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इवन आई बटन में मिल जाएगा। आप बोल सकते हो वो वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं आपको थोड़ा और खोल के दिखाने वाला हूँ कि अपडेट हम लोग को एक्चुअल में कब मिलने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट मंथ हम लोग को पता चल चुका है। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला कौन सा मंथ में हम लोग अपडेट मिलने वाला है। और गाइस, उसके साथ साथ मैंने और लकी मैन ने कोशिश किया है कि जितना हो सके इन लोग से मैं इन्फॉर्मेशन खींच के आप लोग को दिखाऊं और एकदम जितना हो सके एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन दूं। बट जैसे कि पता है पबजी मोबाइल कभी भी हम लोग को एक्चुअल डेटा नहीं देता, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, घुमा फिरा के देता है, तो उसी में से हम लोग को निकालना पड़ता है। तो वही चीज़ हम लोग ये वीडियो में देखने वाले। तो ये वीडियो में आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है, एक बैड न्यूज़ भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बैड न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल बीटा सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद बोले कि जो हम लोग का अपडेट है 0.17.0 वो मार्च के अराउंड में आने वाला। तो आप गेस कर सकते हैं कि मार्च के अराउंड बोल चुका है, तो मतलब फेब का लास्ट में भी मिल सकता है, तो मार्च के स्टार्टिंग में भी मिल सकता है। तो आप इतना जान लीजिए कि आपको मार्च में ही मिलने वाला ये अपडेट और फेब में कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला। तो आप बोल सकते हैं जो मार्च महीना होने वाला है ये पबजी मोबाइल हिस्ट्री का सबसे बड़ा महीना होने वाला, क्योंकि ये मंथ में आपको दो अपडेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आएगा 0.17.0 एंड 0.17, उसके बाद आएगा 0.17.5। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग कोशिश किए खोजने का कि ये जो अपडेट है हम लोग एक्चुअल में कैसे मिलने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर दो एक ही मंथ में दो दो अपडेट आएगा, जैसे कि आपको पता है 0.17.5 जो अपडेट आने वाला है उसका जो डेट ऑलमोस्ट फिक्स है, क्योंकि रॉयल पास खत्म होने का एक दो दिन बाद ही आपको अपडेट देना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको नया रॉयल पास स्टार्ट होगा। और 0.17.0 का कोई कन्फर्म डेट नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई भी रॉयल पास सीजन रिसेट का झमेला नहीं होता, तो वो कभी भी दे देता तो चल जाता है। तो अभी दो इसमें क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर मार्च के स्टार्टिंग में, जैसे अगर मैं आपको डेट दिखाऊँ तो इधर आप देख पा रहे, तो अगर हम लोग डेट देखें तो 3-4 तारीख का अगर हम लोग का अपडेट मिल जाता है 0.17.0 का, तो हम लोग का जैसे क्या पता होगा जो रॉयल पास खत्म होने वाला लगभग 7-8 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो 10-11 तक आप बोल सकते हैं कि हम लोग का जो नया सीज़न है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये दो वीक में दो अपडेट आ सकता है, बट बेसिकली इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग का जो अपडेट होता है, सबसे पहला जो अपडेट होता है 0.17.0 का जो 0.0 वाला अपडेट होता है वो मेजर अपडेट होता है, तो जिसमें आपको पूरा सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा लगभग 2 GB के आसपास। और उसके बाद आपको जो सेकेंड वाला जो अपडेट आता है, जो इन गेम अपडेट आता है, जिसमें आपको लगभग 200-300 MB का अपडेट आता है, तो वो चीज़ भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये 2 वीक के अंदर, मुझे जितना लगता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा कन्वर्सेशन दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं कोशिश किया हूँ इनमें से कुछ निकालने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं पूछा हूँ कि अगर हम लोग अभी ग्लोबल वर्जन में अपडेट नहीं मिलने वाला तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटा वर्जन में हम लोग अपडेट मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यस एंड वेट फॉर द अनाउंसमेंट, मतलब हम लोग को बीटा वर्जन में और भी अपडेट आएगा। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं गुड न्यूज़ भी है कि बीटा वर्जन में और भी चीज़ आने वाला है, जिसके चलते आप बोल सकते हैं एनिवर्सरी जो अपडेट होने वाला है और भी बेहतरीन होने वाला है। इतना चीज़ तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ मुझे लगता है और भी चीज़ ऐड होने वाला है, जिसके जरिए आप बोल सकते हैं जो वर्जन अपडेट आने वाला है 0.17.0 ये बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। और गेस करते हैं कि एक साथ दोनों ना आ जाए, क्योंकि हम लोग दोनों मिलकर कोशिश किए कि इन लोग से निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो लकी मैन ने पूछा वेट रियली हाउ टेंशन कैन पुश टू अपडेट इन वन मंथ 0.0 एंड 0.5, तो वही चीज़ पूछा है कि एक महीना में दो अपडेट कैसे पुश कर सकता है। तो ये जो ऑफिसर है खुद बोला प्रिटी इजी, जस्ट वेट फॉर इट एज बोथ हैविंग डिफरेंट कंटेंट। तो इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग इजीली ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का जो दोनों कंटेंट है, मतलब 0.0 और 0.5 का अलग अलग है, तो आराम से हम लोग अपडेट दे सकते हैं, हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लकी मैन का कहना यह है कि दोनों अपडेट एक ही मंथ में देने से या एक ही वीक में देने से प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेयर का। उसके बाद आप देख पा रहे पबजी मैन का कहना यह है कि नो वन सेड अ वीक, मतलब आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली लोग लिख नहीं रहा, घुमा फिरा के लिख रहा, तो नो वन सेड अ वीक मतलब ये होता है कि एक वीक में दोनों अपडेट नहीं आने वाला। पहला वीक में शायद 0.17.0 का अपडेट आने वाला है और उसके बाद सेकेंड जो वीक होने वाला, जैसे कि मैं आपको डेट दिखाया, सेकेंड वाला वीक में हम लोग को जो रॉयल पास वाला अपडेट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये लोग का कहना ये है कि बिकॉज वी ऑलवेज कंसिडर प्लेयर फर्स्ट। तो इन लोग का कहना ये है कि हम लोग आप लोग का पहले सोचते जो खेलते गेम उन लोग का पहले सोचते उसके बाद अपना सोचते, तो इसीलिए इन लोग का कहना ये है कि हम लोग ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे जो कि प्लेयर को दिक्कत दे। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि
मार्च का पहला वीक में हम लोग को अपडेट मिल जाएगा जो 0.17.0 का, और सेकेंड वीक में हम लोग को 0.17.5 का अपडेट मिल जाएगा। सो गाइस ये बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है पबजी हिस्ट्री में, पबजी मोबाइल का कभी हिस्ट्री में एक ही महीना में दो दो अपडेट आया नहीं है, बट ये चीज़ लगता है इस बार पॉसिबल होने वाला क्योंकि ड्यू टू सेवरल रीजन हमको पता ही है। तो ये वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल मैं बनाना चाहता था, और भी कुछ क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, अगर कुछ भी अपडेट मुझे मिलता है इसका अलावा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो एकदम जेन्युइन एंड क्विक अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, उससे ये होगा जब भी न्यू डालूंगा को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि अपडेट मार्च में आने वाला है और जो 0.5 वाला जो अपडेट है रॉयल पास का वो भी मार्च में ही आने वाला है, तो दोनों चीज़ आपको पता चल गया होगा तो और भी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे टाइम पार होगा, और बीटा का भी अपडेट आने वाला है और भी। तो फिंगर क्रॉस करके रखते हैं और देखते क्या क्या चीज़ होने वाला है पबजी मोबाइल का वर्ल्ड में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।